वेलकम टू ग्राफिक टीज बाय पराग। आई डू ग्राफिक डिजाइन फॉर द टीशर्स। तो आज का हमारा जो वीडियो का टॉपिक है वो है पफ प्रिंटिंग। आप पफ प्रिंटिंग किस तरह से की कर सकते हो और उसके लिए आपको कौन सी चीजें होनी जरूरी है आपके पास। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने ऑलरेडी एक मेरे क्लाइंट के लिए पफ प्रिंटिंग करके रखा है, आपको स्क्रीन में भी नजर आ रहा उसका रिजल्ट। चारकोल ग्रे के ऊपर हमने स्लाइटली लाइट ग्रे का हमने प्रिंट किया था। एक्जैक्टली मैं वही सेम रिपीट करने वाला हूं, पर ब्लैक टी शर्ट के ऊपर मैं रिपीट करने वाला हूं। तो इसके लिए आपको लगने वाली क्या चीज है वो मैं आपको पहले बता देता हूं। आपको सिंपल जो हमारी रेगुलर प्लास्टिसॉल इंक होती है कोई भी ब्रांड की आप यूज कर सकते हैं, मैं प्लास्टिसॉल इंक मैंने यूज किया है। उसके बाद और एक इंक मिलती है या सॉल्यूशन मिलता है जिसे बोलते हैं पफ, ठीक है। तो इन दोनों को पर्टिकुलर रेशियो में आपको मिलाना पड़ता है। तो मैं इसके लिए स्पेसिफिकली मैं क्या करता हूं, अगर मैं 100 ग्राम ओवरऑल सॉल्यूशन बनाता हूं तो उसमें 70% मेरी रेगुलर इंक रहेंगी जो ग्रे है, और मेरे ऊपर इसके बाद जो 30% रहेगा वो आपका पफ रहेगा। तो आपको हमेशा याद रखना है रेशो क्या रखना है, 70-30 का रेशो रखना है। 100 ग्राम अगर आप बनाते हो तो उसमें 70 ग्राम आपका रेगुलर प्लास्टिसॉल इंक रहेगा और 30 ग्राम आपका जो पफ इंक रहेगा उसको आप यूज कर सकते हो। तो उसके लिए बेसिक तरीका क्या है, मीन्स बेस्ट वे क्या है, उसको प्रोपोर्शन प्रॉपर हो इसलिए। तो कोशिश कीजिए आप इस तरह से 200-250 रुपए की वेविंग मशीन मिलती है किचन अप्लायंस में, 5 kg तक का इसका कैपेसिटी होती है वेविंग मशीन का, आप इस तरह के खरीद लीजिए, क्योंकि इसमें कंसिस्टेंसी आपको हमेशा मिलेंगे, आपको एक जैसा रिजल्ट हमेशा मिलते रहेगा। तो ये चीज ध्यान में रखिए। तो मैंने ऑलरेडी ये सॉल्यूशन बना के रखा मेरे पास, आप देख सकते हैं मैंने इसका मिक्सचर दोनों का बना के रखा है। इसमें 70% मैंने अपनी रेगुलर इंक ली है और पफ इंक इसमें मैंने 30% यूज की है। तो आप बोलोगे कि सर अगर पफ हम कोई भी सॉल्यूशन में अगर मिलाते तो इसके कलर के ऊपर फर्क नहीं पड़ता का। तो एक्चुअली देखा जाए तो पफ ये ट्रांसपेरेंट टाइप का होता है, इसका उतना इफेक्ट नहीं पड़ता। आप ज्यादा क्वांटिटी मिक्स करोगे तो ऑब्वियसली आपके जो कलर रहेंगे वो थोड़े लाइट आपको नजर आएंगे। तो मोटा मोटा मैं कह सकता हूं तो इसका कलर के ऊपर आपके जो इंक का कलर रहेगा उसके ऊपर ये हावी होने वाला नहीं है ज्यादा, पर ज्यादा क्वांटिटी अगर आप पफ इंक यूज करोगे तो ऑब्वियसली कलर इसका थोड़ा फेड आपको नजर आएगा। तो ये चीजें ध्यान रखिए, ट्रांसपेरेंट टाइप का होता है, इसका आपके जो भी इंक आप इस मिक्स कर रहे जिस भी इंक में उतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड करता है आपके। तो ये सब चीजें मैंने कर लिया, इसको मिक्स को मैंने अच्छे से मिक्स करके रख दिया है। और एक और चीज मैं आपको बताना चाहूँ इसमें कि आपको इसे सॉल्यूशन को एटलीस्ट 2 घंटा 1 घंटे के लिए सॉल्यूशन को थोड़ा रूम टेम्परेचर पर सेट होने दीजिए, ये जरूर कीजिएगा। 1 घंटा 2 घंटा मैं रिकमेंड करता हूँ, क्योंकि मुझे हमेशा इसमें रिजल्ट अच्छा मिला। मैं तुरंत बना के यूज कभी नहीं करता, इसे एटलीस्ट 1 घंटा तो भी सेटल होने देता हूँ। उसका जो मैं मेश यूज कर रहा हूँ इसके बारे में बता दूँ, इसमें मैंने जो मेश यूज किया ये 20 नंबर की मेश है। मैं रिकमेंड करता हूँ इसमें ज्यादा हाई मेश काउंट वाली आप मेश यूज मत कीजिए, जैसे 25 नंबर की जो मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ रेगुलर इंक के लिए वो मत यूज कीजिए, और 16 नंबर की भी यूज मत कीजिए। इसका रीजन क्या है, आपकी 18 और 20 नंबर के जो मेश रहेगी उसका जो साइज रहेगा होल्स का मीडियम इन बिटवीन साइज आएगा, तो उसमें से इंक आपकी जो है ज्यादा से ज्यादा टी शर्ट के ऊपर निकलेगी। 16 नंबर के भी यूज कर सकते हैं, उसमें आपको एजेस जो रहेगी उतने शार्प एजेस नजर नहीं आएंगे। तो 18 और 20 नंबर की मेश आप कोशिश कीजिए यूज कीजिए, जो मैं रिकमेंड करता हूँ। बाकी आपकी चॉइस, आप ट्रायल दोनों इस पे ले सकते हैं, 16, 18, 20 या 25 नंबर पे। अगर आप पॉलिस्टर की मेश यूज करें तो 55+ आप मेश यूज कर सकते हैं, पर 60 या 62 की मेश आप यूज मत कीजिए पॉलिस्टर की, ठीक है। तो ये हो गया, मैंने सॉल्यूशन बना के रखा है, अब हमें डायरेक्टली क्या करना है, टी शर्ट के ऊपर प्रिंट करना है। वो किस तरह से करना है वो हम देखेंगे। तो फिलहाल के लिए मैं इसे बाजू रख देता हूँ, थोड़ा सेटअप मैं कर लेता हूँ, तब तक आपको मिलता हूँ मैं थोड़ी देर में। मैंने ऑलरेडी मेश मेरी जो हम एक्चुअली कभी भी आप प्रिंट करते हैं तो उसके लिए हमेशा कहता हूँ कि आपकी मेश प्रॉपर क्लीन है या नहीं है वो आपको चेक करना है। तो जो हमारी प्रिंटिंग एरिया था, डिजाइन जहाँ से हमारी इंक निकलती है, उसे मैंने अच्छे से पीवीसी रिड्यूसर से साफ कर लिया। मैंने ट्रायल भी ले लिया, सब कुछ ओके। मैंने पैलेट के ऊपर टेबल गम भी लगा के रखा है। हमारी ये टी शर्ट है ब्लैक कलर की, इसके ऊपर अभी प्रिंट करने वाले, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन आता है, ये मीडियम साइज की टी शर्ट है ब्लैक वाली, इसके ऊपर हम प्रिंट करने वाले हैं। काफी लोग पूछते हैं कि टी शर्ट को यूज करते हो या फिर इंसर्ट करना है सर इजीली प्रॉपरली किस तरह से। मीन्स बहुत लोगों का क्या होता है कि ये जो कॉलर होता है या नेक होता है ये नेक प्रॉपर सेंटर में नहीं आता है, तो किस तरह से आप ला सकते प्रॉपर वो दिखाना चाहता हूं मैं। तो आपकी जो टी शर्ट होती है कोई भी, उसमें 2 तरह की सिलाई होती है, एक साइड में लेफ्ट साइड में और राइट साइड में। तो आप देख सकते हैं मेरे लेफ्ट साइड में एक सिलाई है और मेरे राइट साइड में एक सिलाई है। तो मैं इसे क्या कर रहा हूं, जो मेरा मिडल फिंगर इसके ऊपर इंसर्ट करके अच्छे से देखिए इस तरह से, और ऊपर 2 उंगलियां डाल के इसे इजीली मैं इंसर्ट कर लूंगा, काफी इजीली हो गया। तो आपको हमेशा पुल करते हो, आपको ध्यान में रखना है कि अब सिलाई को है ना उसको ही आपको पकड़ के इंसर्ट करना है या आगे पीछे करना है। उसके बाद सेकंड, जो हमारी ये स्लीव रहती है यहाँ भी सिलाई रहती है, इसकी जॉइंट रहती है, उसके ऊपर ही आपको टच करना है, इसको ही पकड़ना है। अगर आपको लगता है कि पीछे करना है तो इस तरह से खींचे, आगे करना है अगर आपको टी शर्ट तो हमेशा ये जो सिलाई हमने इसके पहले भी सिलाई जो है इसकी उसे ही लेके आपको आगे पीछे करना है। तो फिर से मैं यहाँ करूँगा पीछे, उसको थोड़ी टी शर्ट को और पीछे करूँगा। तो मुझे प्रिंट जो करना है अभी मेरे गले से 3.5 इंच नीचे मुझे प्रिंट करना है। तो ऑलरेडी मैंने मेरे पैलेट के ऊपर मार्क करके रखा है कि मेरी प्रिंट बराबर 3.5 इंच नीचे से प्रिंट हो। तो आपको भी ये सीखना है, प्लीज़ मैं अगेन एंड अगेन कह रहा हूँ कि आपको ये वीडियो पॉज करके या फिर आपको कोई भी डाउट हो तो मेरे प्रीवियस वीडियो देखिए, खास करके बेवकूफ.com की जो मेरी सीरीज़ है जिसके ऊपर मैंने एग्जैक्टली रिप्लीकेट बना के दिखाई, वो सीरीज़ अच्छे से देखिए आप।
थोड़ी बड़ी एक एक घंटे के एपिसोड है उसके पर वो काफ़ी जरूरी चीज़ है। तो मैंने ऑलरेडी मेरे मार्किंग के ऊपर मुझे लग रहा है कि मेरी टी शर्ट आ गई, ठीक है, मुझे सेंटर मिल गया है, मैंने स्लीव भी चेक किया, दोनों साइड से प्रॉपर है, तो इसे मैं अच्छे से फ्लैट कर दूंगा अभी, ठीक है, मैंने अच्छे से इसे फ्लैट कर दिया। अब सेकंड क्या है, हमें मैंने फ्रेम भी मेरी चेक कर ली थी, उसके बाद सिंपली हमें इसके ऊपर प्रिंट करना है। तो मैंने अपनी मशीन ली, फ्रेम नीचे कर ली, अब पास से दिखाइए इधर से, अब जो इंक है इसे मैं अच्छे से इसके ऊपर स्प्रेड कर दूंगा। अच्छे क्वांटिटी में इंक लीजिए, कोशिश क्या करना है, ज़्यादा प्रेशर नहीं देना, जैसे हम रेगुलर करते हैं, थोड़ा हल्का प्रेशर देके इसे प्रिंट करना है, ठीक है। मैं ज़्यादा प्रेशर का यूज़ नहीं कर रहा हूँ, पहले हम दो ही स्ट्रोक लेंगे, मैंने दो स्ट्रोक ले लिया, और उसके बाद हीट गन है मेरी, हीट गन का इस्तेमाल करके इसे हमें ड्राई करना है। तो मेरे अच्छे से आ गई, अब पास से दिखाइए, अब इसे क्या करूँगा मैं हीट गन से ड्राई करना है। तो जो मेरा हीट गन का जो मोड है अभी वो हाई मोड पे, हाई टेम्परेचर मोड पे, तो इसे मैं हीट कर लेता हूँ, थोड़ा अच्छे से इसे ड्राई होने देता है। इसका कलर आप देखोगे, इसका टेक्सचर चेंज हो जाता है। अगर ये ड्राई होना जब चालू होता है तो थोड़ा वाइटिश हो जाता है, उसका जो शाइननेस होता है वो चले जाता है, आपको हमेशा ध्यान में रखना ये चीज़। तो उसका जो शाइननेस था वो चला गया अच्छे से, अभी वाइटिश होते जा रहा है। वीडियो में शायद इतना प्रॉपर नज़र नहीं आएगा, अगर आप आमने सामने देखते हो तो आपको ज़्यादा क्लियरली नज़र आता, ठीक है। तो मुझे समझ में आ गया इसका टेक्सचर टोटली चेंज हो गया, अब ये ज़्यादा वाइटिश नज़र आ रहा है, थोड़ा रफ नज़र आ रहा है। तो आप समझ जाए कि आपका अच्छे तरीके से इंक सूख गई है, क्योर हो चुकी है। तो इसके बाद आपको जितने ज़्यादा इसे उभारना और ऊपर ऊपर लाना है, उतने ज़्यादा आपको स्ट्रोक लेना। तो मेरे ख्याल से 6 स्ट्रोक इनफ होते हैं, पर उसके ज़्यादा भी आपको उभार लाना है तो आप 8 स्ट्रोक 10 स्ट्रोक तक जा सकते हैं। सेम चीज़ मैं रिपीट करने वाला फिर से, इस बार मैं 3 स्ट्रोक दूंगा, आपकी मर्जी, आप देख सकते हो, मेरे ख्याल से 3 इनफ रहेंगे। 1, आपके मशीन का रजिस्ट्रेशन अच्छा होना बहुत जरूरी, इसलिए अगर आपको ये मशीन खरीदना है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, कोई इसमें गिवन नंबर है, मेंशन है ऊपर, आप कभी भी हमें कांटेक्ट कर सकते हैं 11 से 7 से बीच में, और संडे को हम क्लोज रहते हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छे तरीके से रजिस्ट्रेशन है इसका, प्रॉपर आ गया, शार्पनेस काफ़ी अच्छी है, मैं आपको क्लोजअप में इसकी फोटोज भी दिखा दूंगा। फिर से इसे मैं ड्राई कर रहा हूँ, सेकेंड टाइम जब आप ड्राई करने जाते हैं तो काफ़ी इजीली हो जाता है, क्योंकि आपको हीट गन के वजह से आपका जो टी शर्ट होता है वो भी गर्म रहती है, आपकी इंक जो इसके पहले आपने ड्राई किया है वो भी गर्म रहती है, और आपका जो बेड होता है पैलेट का बेड वो भी गर्म होता है। तो सेकेंड टाइम जब इसे क्योर करने या फिर ड्राई करने जाते हो काफ़ी ईजिली होता है, फर्स्ट टाइम थोड़ा टाइम लगता है। सो मैंने टोटल अभी जो स्ट्रोक लिए हैं वो स्ट्रोक हो गए मेरे 5, तो आप 8 स्ट्रोक तक जा सकते हो, 10 स्ट्रोक तक जा सकते हैं, आपकी मर्जी, आपको कितना उभार और लाना, मैं पहले से रिपीट कर रहा हूँ। जैसे उसमें अगर आप मैं दिखाऊंगा क्लोजर में, उसमें हमने कम से कम 10 से 12 स्ट्रोक लिए, पर उसका जो उभार आया वो भी बहुत प्रॉपर आया, बहुत अच्छा आया है। हुडीज के लिए स्पेशली वो उस तरह का ज़्यादा पफ निकला हुआ थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मैं इसमें 5 हो गए, मैं इसके ऊपर 8 ही लूंगा स्ट्रोक, उसके बाद इसे मैं टी शर्ट निकाल के रख दूंगा। तो हम देखेंगे फाइनल क्लोजअप लुक भी मैं आपको दूंगा इसके। ये हो गया हमारा 7 और ये हमारा हो गया 8, ठीक है। तो 1 मिनट लगाऊंगा मैं हार्डली, 1 मिनट में आपकी एक टी शर्ट प्रिंट हो जाती है, और ज्यादा जितने ज्यादा स्ट्रोक दूंगे तो उतना ज्यादा टाइम लगेगा। फिर से मैं इसे क्योर करता हूँ, देखो सेकेंड टाइम काफ़ी इजीली और काफ़ी जल्दी ये क्योर हो गई है। शार्पनेस भी काफ़ी अच्छी इसमें, ठीक है, आप पास से दिखाइए एक मिनट। अगर आप इतने उभार से हैप्पी हो तो आप रुक जाइए, अगर आपको इससे ज़्यादा स्ट्रोक और चाहिए होगा और उभार लाना होगा, शायद आप फ्लैट है, आपको कैमरे में प्रॉपर नज़र नहीं आ रहा होगा, तो मैं इसको अलग अलग एंगल से आपको फोटोज भी नज़र दिखा दूंगा किस तरह से उभार आया, क्योंकि लाइटिंग शायद प्रॉपर नहीं तो उतना नज़र नहीं आ रहा होगा। तो इसके मैं फोटो आपको इसको अच्छे से निकाल के फोटो भी दिखा दूंगा कि इसका उभार कितना आया, ठीक है। तो आज भी आपको अगर इस वीडियो में कुछ सीखने को मिला होगा नया, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच।